आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज मैं आपको ले आई हूं बोफोर्ट के शहरी बेघरों के लिए आश्रय, जो यहां पर बनाया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा। और यहां पर किस तरह से लोग रहते हैं, और आपको बता दें कि अक्सर जब भी आप घरों से बाहर निकलते हैं किसी फुटपाथ पर या किसी पार्क में, आप कई सारे बेघर ऐसे लोगों को देख रहे होते हो जो वहीं पर अपना रैन बसेरा जो है वो रखते हैं। और ऐसे में एक इनिशिएटिव जो है वो लिया गया है जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा, जिसे यहाँ पर चलाया जाता है। और यहाँ पर तमाम विजुअल्स में आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं ये बेघर हैं, और जिनको एक आश्रय मिला हुआ है जहाँ पर वो अपना गुजारा जो है वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि उनको प्रॉपर तरीके से खाना भी जो है वो दिया जाता है। और ये लोग जो सड़कों पर भटकते थे, रेलवे स्टेशन के पास कई जगह दिखते थे, बस अड्डे के पास कई बार देखने को भी मिलते थे, वही लोग जो है आज यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरह से इनको रहने की जगह जो है मिल रही है, और साथ ही साथ सुविधाएं जो भी है वो मिल रही हैं। और ऐसे में जो इसको चलाते हैं, जो ये बेघरों का आश्रय जो है, शहरी बेघरों का आश्रय जो जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा बनाया तो गया है, लेकिन इसको देख रेख किस तरह से की जाती है ये दिखाएंगे कि किस तरह से ये लोग जो है यहाँ पर रह रहे हैं और क्या कुछ मुश्किल इनको आती है। और काफी समय पहले हम आपको यहाँ पर लेकर आए थे, लेकिन तब इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट यहाँ पर नहीं थी, लेकिन अब क्या कुछ यहाँ पर विकास हुआ है वो भी जानते हैं। तो हमारे साथ जुड़े हैं वीना बख्शी जी, जो इस आश्रय को जो चलाते हैं, इनसे हम बातचीत करते हैं। वीना जी, क्या कहना चाहोगे, इनिशिएटिव जो है काफी समय का लिया गया था, लेकिन पहले आप अकेले ही इसको संभाल रहे थे, पूरा संचालन कर रहे थे। अब म्युनिसिपैलिटी की बात की जाए या स्मार्ट सिटी की बात की जाए, तो उसके तहत कई तरह की इम्प्रूवमेंट यहाँ पर की गई है, तो किस तरह से आप इसे चलाते हैं? सबसे पहले तो आपको मैडम धन्यवाद कि आप जो हमारे रैन बसेरे में आए हो। तो यहाँ जो पहले वाला था टाइम वो अब है नहीं, अब काफ़ी सारी वो जो दिक्कतें थी, हमारी मुश्किलें थी, काफ़ी हद तक ठीक हो गई हैं। तो हम ये कहना चाहती हूँ कि जो म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन की द्वारा यहाँ पे अभी नया नया जो पीछे हमारे काम रेनोवेशन का हो रहा है, दूसरा है कि यहाँ लिफ्ट का था स्मार्ट सिटी की तरफ से, पीछे शेड था, क्योंकि कुछ लोग जो बाहर फुटपाथ पे रहते थे तो वो अंदर नहीं जाना चाहते थे, तो उनके लिए शेड भी प्रोवाइड किया, एक बाथरूम और भी काफ़ी सारी चीज़ें, यहाँ पे एसी का भी प्रबंध किया हुआ है, और इन्होंने एक एलईडी का भी किया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ों का यहाँ पे स्मार्ट सिटी की तरफ से। और तो ये लोग कहाँ कहाँ से आए हैं और इनको कहाँ कहाँ से लाया गया हुआ है? मैडम, ये पहले तो बड़ी दिक्कतें आई इनको लाने के लिए, कहीं फुटपाथ से, रेलवे स्टेशन से, अपने जो हमारा बस स्टैंड था, तो जहाँ जो बस स्टैंड के ब्रिज के नीचे लोग होते थे तो कंबल डगा के कहीं भी ये बैठ जाते थे। हम अब ये सोचते हैं कि अब जो स्मार्ट सिटी बन रही है उनको हम अच्छा रख रखा रखें, सुंदर बनाएँ अपने जम्मू शहर को, तो जितने भी ये फुटपाथ पर लोग हैं वो हम रहन बसेरे में आएँ, ताकि इनके लिए एक गवर्नमेंट ने जगह बनाई हुई है, म्युनिसिपैलिटी ने इसको बड़ा मतलब संजो के रखा, अच्छे तरीके से इसकी देख रेख कर रहे हैं और अच्छा बना रहे हैं, मतलब सुंदर बना रहे हैं। जैसे किस तरह से कांटेक्ट करते हैं आपको, किस तरह से आता है मैसेज, या किस तरह से आपकी टीम जो है जगह जगह पर जाके पहुंच पाती है इन तक? पहले तो वो जिनको कोई ऐसे फुटपाथ पे दिखता है तो पहले हमें वो कॉन्टैक्ट करते हैं, फ़ोन करते हैं, फिर हम उनको देखने भी जाते हैं हमारी टीम, फिर उनके द्वारा हम कुछ इनको पुलिस वालों को भी बोलते हैं कि क्योंकि उनके पास कोई आईडी प्रूफ नहीं होता, हम ले आए तो उनके घर वाले कोई इशू बना दे, हाँ, तो फिर उनके द्वारा हम उनके वेरिफिकेशन करवा के फिर यहाँ लाया जाता है उनको। जी, तो और क्या कुछ चीज़ें जो है नई हुई है, खाने का इंतज़ाम किस तरह से किया जाता है? हाल ही में अभी जो ड्राइव भी चलाई गई थी स्मार्ट सिटी के तहत खाने को लेकर। हाँ, खाना तो अभी जैसे आप मीडिया के माध्यम से बहुत सारे लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं, और आपके माध्यम से बहुत सारे लोगों को इसकी पता भी चला है कि यहाँ पे रैन बसेरा है, तो और स्मार्ट सिटी की तरफ से भी एक ड्राइव चलाई गई थी, तो जो लोगों के पास खाना, जैसे होटल वाले होते हैं, शादियों का खाना कैटरिंग वाला बचता है, तो उनको बोला था कि सेव करके रखो, तो जो नीड लोग हैं, जिनको ज़रूरत है उनको तक पहुंचाया जाए, तो उनका पेट भर पेट वो खाएं। और किस तरह का बदलाव चाहते हैं आपकी हो, क्योंकि मेडिकल की सुविधा दी जाए वो भी इन लोगों को दी जाती है, उसके अलावा जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कुछ आप चाहते हैं कि इस तरह का बदलाव हो, ताकि ये जो बेघर लोग रह रहे हैं बाहर, तो इनके लिए कुछ और ज़्यादा सुविधा जो दी जाए?
यहाँ तक है कि मैडम अपने से वो जितना भी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं, ये हमने सोचा नहीं था कि यहाँ से इतना काम हो जाएगा। लेकिन उन्होंने म्यूनसिपैलिटी की तरफ से एक टीम आती है हर हफ्ते मेडिकल की, और भी चाहते हैं कि एक छोटी सी डिस्पेंसरी होना ज़रूरी है ताकि जो कुछ कई बारी बीमार हो जाते हैं इमीडिएटली बुज़ुर्ग लोग, तो उनको कोई ड्रिप शिप लगानी हो तो दिक्कत आती है। तो मैं चाहती हूँ कि छोटी सी एक डिस्पेंसरी होना बड़ी ज़रूरी है। आपका नाम? बलिता। बलिता कहाँ के रहने वाली हो और यहाँ पर कैसे पहुँचे हो आप? मेरे को पता नहीं चला कैसे पहुँच गए। कहाँ के रहने वाले हो आप? बंगाल की। अच्छा, बंगाल के रहने वाले हो। तो कैसे यहाँ तक कैसे पहुँचे, घर से बाहर कैसे रहे? आपका घर अगर वहाँ पे था तो जम्मू कैसे पहुँचे आप? मेरे बेटा ने मेरे को छोड़ दी है एक गली में सड़क के पास, तो मैंने इसे ही निकल कर किधर आया उसको मेरे को पता नहीं। एक भैया ने मेरे को उस तरफ से लेकर इसमें छोड़ दी। तो बेटे ने क्या बोला था? वो कितने देर पहले की बात है, कितने साल हो गए? एक महीने तो हुई है अभी जी, एक महीने। तो आपको क्या पता लगा कि क्यों छोड़ा? कुछ समझ नहीं आई? ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। तो यहाँ पर कैसे आप रहते हैं, वो कैसे सारी सुविधा आपको दी जा रही है? खाना साना सभी मिल लेती है, तीन टाइम मिल लेती है, चाहे दो टाइम मिल लेती है। परिवार की कमी महसूस होती है? जाने की तो मन कर लेती है। तो बेटे की याद आती जिसने ये साल? लड़के भी है, एक दो तीन लड़का है एक लड़की है। जी, कहाँ पर है वो? वहीं पे बंगाल में? बंगाल में। उन्होंने आपको ढूंढने की कोशिश नहीं की? अब इधर कैसे आएंगे ढूंढने की, उधर तो ढूंढ लेती होंगे लेकिन इधर तो नहीं ढूंढी है। तो बेटे ने ही छोड़ दिया आपको? एक बेटे ने छोड़ी है, तीसरी बेटे तो नहीं छोड़ी है, दो तीन लड़के। कहाँ से आए आप? यूपी से। यूपी से आए? यहाँ पे कहाँ रह रहे थे आप? लास्ट मोड़ गांधीनगर। अभी यहाँ पर कैसे पहुँचे आप? यहाँ पर लाए ना हमको। क्या करते क्या थे यहाँ पर? पहले मैं करता था पेंट का काम। अच्छा, बाद में फिर लग गया दुकान पर, मालिक मेरा अभी दवाई सवाई देता है ले आके। क्या पैरालाइज हुआ था आपको? हाँ हाँ, एक रंग पूरा, अभी हाथ कम उठता है जी, इसलिए। तो यहाँ पे कैसा लगता है कि कैसे रह रहे? ठीक है, खाना पीना मिल रहा है, कपड़ा लगता सब कुछ। यूपी जाने की कोशिश नहीं की वापस? नहीं। वहाँ पे कौन कौन है परिवार में? भाई है, भौजाई है, लड़की है। तो वापिस जाना चाहते हो? जाना तो चाहता हूँ मगर जब ठीक हो जाएंगे तब जाएंगे। आपका नाम? बाला देवी। बाला देवी कहाँ से आए हो? ते अम्बाला कैंट, अम्बाले कैंट ते मटेड़ी, मटेड़ी ते नक्कल नक्कल ते अद्धो माजे। यहाँ पे कैसे पहुँचे? ये पूरा पुल से चढ़ गई थी। अच्छा, पुलिस ने छोड़ दिया। हाँ। क्या करते थे यहाँ पर आप? अम्बाला से यहाँ पे क्या करने आए थे? ऐसे वहाँ काम करने हैं और क्या, झाड़ू लगा दिया, पोछा लगा दिया। अभी क्या काम करते हैं? ये फुटके बनाने। अच्छा। हाँ, तो यहाँ पे कैसा लगता है आपको? अच्छा लगता है। तो वापस घर जाना है अपने अम्बाला? घर पे जाना है अद्धो माजरा। कब कब सोचा जाने का, या कोई आएगा लेने के लिए? ना, उन्हें पता नहीं है, घर के ने पता नहीं है। उन्होंने छोड़ दिया आपको? मम्मी मेरी बार की, अरे तेरी मम्मी याद आती है, तेरी तो याद आती है मम्मी। तो यहाँ पे कैसे रखते हैं आपको, खाना वगैरह सब कुछ? सब कुछ अच्छा मिलता है, मेरी चाय के साथ रस। तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ रैन बसेरा बहुफोर्ट आपको लेकर आए थे, जहाँ पे बेघरों के लिए आश्रय बनाया गया है और काफ़ी समय से ये जगह जो है वो चलाई जा रही है। और यहाँ पर हमने आपको देखा कि किस तरह से कुछ लोग जो है यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर पहुँचे हैं, कुछ के बच्चों ने जो है अपने माता पिता को जो है वो रास्ते में ही छोड़ दिया था और किसी भी तरह से जो है ये जम्मू में पहुँचे और जम्मू के बाद जो है इनको यहाँ पर आश्रय मिला। और कहीं लोग जो है दूर से जो है यहाँ पर काम करने के लिए आए थे और उनकी फिज़िकल हेल्थ उतनी अच्छी नहीं थी, जिसके चलते जो है कई सारे लोग जो है वो अपने काम से भी हाथ धो बैठे और कहीं ना कहीं यहाँ पर उनको लाया गया और मेडिकल ट्रीटमेंट जो दिया गया। खाने की सुविधा की बात की जाए तो हर तरह की सुविधा जो है यहाँ पर दी जा रही है और कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की ये कोशिश है, जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ये कोशिश है कि कोई भी बेघर ना रहे। और इसके साथ साथ आपको बताते कि फुटपाथ की बात की जाए, रेलवे स्टेशन की बात की जाए, बस स्टैंड की बात की जाए, तो कई जगहों पर हमें ऐसे बेगर्स भी हमें देखने को भी मिलते हैं जो कि वहीं पर अपना बसेरा जो है वो रख देते हैं। और ऐसे में इनिशिएटिव लिया
गया है, जहाँ पर कई सारे लोग जो है यहाँ पर आ सकते हैं, जिनके पास घर नहीं है वो यहाँ तक आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं लोगों से भी अप्रोच करने की बात की गई, कहीं ऐसे दिखते हैं तो वो कंसर्निंग पुलिस स्टेशन में जा सकते हैं। और इसके अलावा इनकी टीम्स भी जो है वो रेगुलर आगे पीछे जाती है, कई एरियाज़ में जाती है जहाँ पर वो देखती है कि कौन ज़रूरतमंद है और किसको ज़रूरत है, तो उनको यहाँ पर आश्रय दिया जाता है। अगले बड़े लेकर फिर मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए आप देखते रहें यंग बाइट्स। विजुअलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।